अस्सलाम वालेकुम। थीसिस के हवाले से एक और मुफीद वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में मुफीद मालूमात दी गई है। इससे पहले दो वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। क्या हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका एक ही होता है? मुख्तलिफ सब्जेक्ट में तरीका तो एक ही होता है, मगर हर किसी में सब्जेक्ट और टॉपिक के मुताबिक रद्द बदल करना होता है। क्या इंट्रोडक्शन में मवाद को दोहराया भी जा सकता है? इंट्रोडक्शन में किसी भी फिक्रे को दोहराया नहीं जाता, हर फिक्रा अलग और नए तरीके से लिखा जाता है। अगर हम इंट्रोडक्शन के लिए मवाद दूसरे सर्च पेपर से लेते हैं तो हमने क्या नया लिखना है जो हमारे थीसिस को मुनफरिद करेगा? हर रिसर्चर को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो एक क्रिएटिव राइटर होगा तो रिसर्च में कामयाब होगा। बेशक हम मवाद दूसरे के पेपर से लेते हैं, मगर इसको हम अपने लिए दोबारा अल्फाज का रद्द बदल करके लिखते हैं, जिससे वो एक नया इंट्रोडक्शन बन जाता है और आपके थीसिस को आपके नतायज दूसरे से मुनफरिद बनाते हैं, जबकि इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक नए तरीके से तारफ ही करवाया जाता है। एक इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? अगर आप एक माहिर हैं तो मवाद इकट्ठा करने के लिए आपको एक दिन काफ़ी है, जबकि प्लेजरिज्म ख़त्म करने, जिसको हम री राइटिंग भी कहते हैं, के लिए आपको सफात के मुताबिक वक्त लगता है। आमतौर पर अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो आप अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी से सिर्फ एक से डेढ़ सफ़ा लिख सकते हैं, जबकि अगर आप ज़्यादा वक्त दें तो ढाई सफ़े आसानी से लिख सकते हैं। क्या इंट्रोडक्शन में हेडिंग्स भी दी जा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप हेडिंग्स दे सकते हैं ताकि आपका इंट्रोडक्शन पढ़ने में आसानी रहे। क्या हम सिर्फ सिनोनिम्स बदलकर प्लेजरिज्म को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, इससे आप कुछ कम तो कर सकते हैं, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। क्या इंट्रोडक्शन लिखते वक्त एट आल को इटैलिक में लिखना ज़रूरी है? कुछ जगह पर इटैलिक में लिखा जाता है और कुछ पर नहीं, वैसे ज़्यादा इटैलिक में ही लिखा जाता है। हमें फॉन्ट का रंग कौन सा रखना चाहिए? थीसिस में फॉन्ट कलर हमेशा ब्लैक ही रखा जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन भी दबा दीजिए।